फिरोजाबाद से लखनऊ जा रही किसानों की पदयात्रा का गुरुवार को जिले की सीमा पर भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष औरैया अनिल चौहान एवं तहसील अध्यक्ष अमर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में स्वागत किया गया। पदयात्रा कस्बों के अंदर होते हुए लखनऊ के लिए रवाना हुई, जो 11 अक्टूबर को लखनऊ में समाप्त होगी। फिरोजाबाद से शुरू हुई भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में शुरू हुई पदयात्रा कस्बा अजीतमल पहुंचे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि आज के समय किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है किसानों की अधिकारी सुनते नहीं हैं। हर विभाग में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं और बिन पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से? जय जवान, जय किसान। यात्रा 1 तारीख को प्रदेश कार्यालय इंडिया फिरोजाबाद से शुरू की और 11 तारीख को लखनऊ में मुख्यमंत्री जी से बात करने जाएंगे, तो मुख्यमंत्री आवास में मिलेंगे तो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है, एक तो व्यापक भ्रष्टाचार, जो अधिकारी किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो हमने ऐलान कर दिया है, तो बाबा से बात करने जाएंगे कि बाबा या तो उनको सुधारो या फिर हम देखेंगे। दूसरी बात, हमारी किसानों की पहले तो किसान नेताओं की जांच हो, जांच में जो भी ईमानदार पाए जाए एक आयोग बना के उनको रखा जाए और उनसे बात करके किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।